तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। तो इसमें हमें प्रोजेक्शन निकालना है, और ये बच्चों में डाउट आता है, ए एन बी आर टू वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए एन बी। सबसे पहले ए एन बी दो वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन क्या चीज़ होता है? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो अगर ये दो वेक्टर आपस में दिए हुए हैं और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी, या बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। तो जो ए कॉस थीटा है या बी कॉस थीटा है, उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं बच्चों। जो ए कॉस थीटा है उसी को, या बी कॉस थीटा को ही हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्शन होता क्या, जैसे ए का कंपोनेंट करते हो, रिजोल्यूशन करते हो भाई, तो ए का एक कंपोनेंट तो बी पे आएगा ना, जिसका नाम होगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा को बोलेंगे प्रोजेक्ट, ए कॉस थीटा को मैं बोलूँगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बी का कंपोनेंट करता हूँ, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बी का कंपोनेंट करूँ तो इसका एक कंपोनेंट इसी पे आएगा, जो होगा बी कॉस थीटा। तो मैं इस बी कॉस थीटा को बोलूँगा बी कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है ना। तो ये बी कॉस थीटा ए पर प्रोजेक्शन, मतलब ए पर कॉस वाला कंपोनेंट जो गिरेगा उसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से निकाल लेते हैं, इसमें क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो अगर मैं ए डॉट बी दो वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब हमें निकालना है ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए कॉस थीटा की यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द बी। तो ये वाली लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं वेक्टर ही ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ, तो डॉट प्रोडक्ट लूँ तो टू आई कैप और माइनस आई कैप, आई का आई माइनस टू बना, ठीक है। थ्री जे कैप और ये थ्री जे कैप प्लस नाइन बना, ठीक है ना। और ये माइनस के कैप और प्लस फोर के कैप, माइनस फोर बना, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये ऊपर में कितना बना भाई, तो ऊपर ऊपर में बना, ये देखोगे तो माइनस सिक्स और ये बना प्लस थ्री, और नीचे में बना यहाँ से तुम देखोगे तो नीचे में बनेगा 26, 16 और 16 और ये 17 और 17 और 9, तो 26 अंडर रूट, ठीक है। तो ये फाइनली अगर बात करोगे तो थ्री, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।